हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो पंजाब राज्य से है। तो पंजाब राज्य में कॉटन क्रॉप, कपास की जो खेती है, वो बठिंडा और मानसा इलाके में 30% कपास की खेती जो है उस पर कीट हमला हो गया, यानी कि कीट हमले से वो खेती जो है वो खराब हो गई है। विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कॉटन क्रॉप के बारे में, क्या हमला, किस तरीके का पेस्ट अटैक जो है वो यहाँ पे हुआ है और इसका क्या नुकसान जो है वो किसान को। दोस्तों, अगर आप पंजाब स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने। आर्टिकल कहता है अ लार्ज पोर्शन ऑफ एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन मानसा एंड बठिंडा डिस्ट्रिक्ट इज अंडर पिंक बॉल वॉर्म अटैक विद मेनी फार्मर्स प्लोइंग देयर स्टैंडिंग क्रॉप फेलिंग टू सेव इट। मानसा और बठिंडा जिलों में कपास की खेती के ऊपर पिंक बॉल वॉर्म ने हमला कर दिया, जिस वजह से कपास की खेती खराब हो रही है और मजबूरी में आकर के किसान अपनी तैयार फसल को जिसको हम कहते हैं खुदाई करना या प्लो करना, जिस तरीके से फसल उगाने से पहले खेत को जोता जाता है उसी तरीके से खड़ी हुई फसल, तैयार फसल को नष्ट करते हुए अपने खेत को जोतना शुरू उन्होंने कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि अब इससे कोई भी प्रोड्यूस जो है वो नहीं निकलेगा, इस फसल को कीट ने खराब कर दिया है। कुछ इस तरीके की हो चुकी है ये फसल, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो रेड कलर के आपको छोटे छोटे निशान नजर आ रहे हैं, दरअसल ये पेस्ट हमले से फसल जो है इनकी खराब हुई है। तो बॉल वॉर्म एक्चुअल में द पिंक बॉल वॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है पेस्टिनोफोरा गॉसिपेला। तो पेस्टिनोफोरा गॉसिपेला जो है, जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसको आम भाषा में पिंक बॉल वॉर्म कहते हैं, वो कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीड़ा है। इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ कॉटन। तो कपास को एकदम से ये कीड़ा जो है, ये पेस्ट जो है वो खराब कर देता है। ऐसे तो ये नेटिव टू इंडिया माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि शायद भारत में सबसे पहले ये पिंक बॉल वॉर्म जो है वो पाया गया हो, लेकिन आज ये दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद है और हर एक जगह पर ये, जहां इसकी मौजूदगी है वहां पे ये कपास की खेती को खराब करते हैं। इट बोर्स इनटू कॉटन बॉल्स डिवरिंग ब्लॉसम्स एंड सीड्स। ये कपास के बीज कोशों में छेद कर देता है और फूलों और बीजों को खा जाता है, जिससे कॉटन क्रॉप जो है वो नहीं हो पाती है। द पिंकिश कलर्ड लार्वा जनरली पॉप्युलेट्स इन कुकून इनसाइड अ बॉल और सीड इन अ लिटर और अंडरग्राउंड। तो ये लार्वा जो है कोकून के बीच में पैदा होता है, जो कि जमीन के अंदर भी हो सकता है, किसी कचरे के ढेर में भी ये पनप सकता है। द ब्राउन अडल्ट हैज फ्रिंज विंग्स। तो ये जब ये छोटा होता है, इस तरीके का एक लार्वा होता है ये, जो कि अंडरग्राउंड होता है या कीड़े के कूड़े के अंदर में इस ये जो है वो पैदा होता है, जब ये बड़ा होता है तो पंखों वाले एक विंग्ड पेस्ट के रूप में ये जो है वो डेवलप होता जाता है। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है मीनवाइल गवर्नमेंट हैज ऑर्डर द एंटायर गिरद्वारी टू असेस द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो सरकार ने जो आसपास की गिरद्वारी है, जो कि अथॉरिटीज है, उनको ये आदेश दिए हैं कि जाकर के देखें, एक्सेस करें, आंकलन करें कि कितनी फसल जो है, किस हद तक किसानों की फसल जो है वो खराब हुई है। सिचुएशन ये है कि इस प्रॉब्लम से परेशान होकर किसानों ने अपने खेतों की जुताई शुरू कर दी है। जुताई आप जानते हैं नॉर्मल केसेस में फसल बोने से पहले होती है, लेकिन यहाँ पे फसल तैयार थी फिर भी उसकी जुताई कर देगी, क्योंकि उससे प्रोड्यूस कॉटन जो है वो नहीं निकल पाएगा, इसने फसल जो है वो खराब कर दी है। तो कुछ किसानों ने तो अपनी खेत को दोबारा से प्लो कर दिया है कुछ नई फसल उगाने के लिए, जबकि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी फसल को वैसे का वैसा रहने दिया। उन्हें उम्मीद है कि शायद सरकार की ओर से कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा जो है वो उनको मिलेगा। अब किसान की पूरी कमाई जो है उसकी फसल पे निर्भर करती है, तो उस फसल के ऊपर इस तरीके का अगर अटैक हो जाता है तो फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है, तो उस डैमेज से किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो कुछ किसान जो है वो आज भी इस उम्मीद में है कि शायद सरकार की ओर से कुछ मुआवजा जो है वो उनको मिल जाएगा और उनकी फसल की भरपाई जो है, नुकसान की भरपाई जो है, हो पाएगी। Cause of this attack is the cotton stalk or stalk of the last season, which farmers keep as the source of fuel in their houses, tube wells or near fields. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि कारण क्या है, कहां से ये कीड़ा जो है वो पैदा हो रहा है। तो इसके पैदा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो किसानों की शायद अपनी खुद की गलती है। तो क्या होता है, जब कपास की, कॉटन की फसल तैयार हो जाती है तो उसका जो स्टॉक होता है, जो कि पीछे रेसिड्यू रह जाता है, किसान क्या करते हैं उसको इकट्ठा करके एक जगह जमा कर लेते हैं कि उसको बाद में वो जलाने के काम आएगा, फ्यूल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा।
दीज स्टॉक्स आर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड्स आफ्टर प्लकिंग कॉटन। कपास की जो है वो फसल जब तैयार हुई, कॉटन को, कपास को निकाल लिया गया, जो पीछे बचा हुआ रेजिड्यू था उसको जो है वो ढेर लगा करके किसान अपने खेतों के पास में या अपने घरों में रख लेते हैं कि बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। सिचुएशन ये है कि इवन लास्ट ईयर्स स्टॉक ऑफ कॉटन स्टॉक हैजंट बीन कंज्यूम्ड फुली व्हाइल न्यू क्रॉप हैज स्टार्टेड कमिंग इन द मार्केट। तो ये इतना ज्यादा अमाउंट में स्टॉक ये रेजिड्यूज है वो किसान इकट्ठा कर लेते हैं कि आज ये सिचुएशन है कि पिछले साल का रेजिड्यूज है वो अभी तक पूरी तरह से बर्न किसानों ने नहीं किया, फ्यूल के रूप में उसको यूज नहीं किया है, और इस साल की फसल जो है वो तैयार होकर मार्केट में आना शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैक से क्या प्रॉब्लम है, इस रेसिड्यू से समस्या ये है, दीज स्टैक्स एट टाइम्स एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पिंक बॉलवर्म एंड हेंस दे अटैक द क्रॉप इन द फील्ड। किसान ने इसका पूरा का पूरा ढेर बना के अपने खेत के पास में रख लिया, जैसे उसने ये रखा कुछ समय बाद मैंने आपको बताया कि कूड़े आदि में ये पिंक बॉलवर्म जो है वो पनपता है, पैदा होता है। तो इस ढेर में, इस रेजिड्यू के ढेर में, इस कूड़े के ढेर में ये पिंक बॉलवर्म पनपना शुरू हो जाता है, वहां पर ये पैदा होगा और वहीं से पास के खेत में जो तैयार कपास की फसल है उसको ये खराब करना शुरू होगा। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, इस पूरे के पूरे इलाके में ये पहले भी काफी बार हो चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वंस द इंसेक्ट स्टार्ट्स अटैकिंग द क्रॉप, इनिशियल कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड्स इज मस्ट, एज लेटर ऑन इट बिकम्स अनकंट्रोलेबल। एक बार अगर कीट की फसल के ऊपर ये इंसेक्ट जो है वो हमला शुरू कर देता है तो इसके ऊपर कीटनाशक दवाइयों का, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार इसका अगर हमला शुरू हो जाता है तो बाद में चलकर उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या अनकंट्रोलेबल, नियंत्रण से बाहर जो है ये हो जाता है। अब यहां पर मैनी फार्मर्स डिडंट यूज पेस्टिसाइड्स इन अगस्त, बहुत सारे किसानों ने अगस्त के महीने में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया ही नहीं, उन्हें लगा कि शायद इसकी जरूरत नहीं है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब ये पेस्ट, ये कीड़ा आना शुरू हुआ था, अगर उसी समय इस पे पेस्टिसाइड का छिड़काव हो जाता तो फसल जो है उसको बचाया जा सकता था, लेकिन किसानों ने ऐसा किया नहीं, इस वजह से अलग अलग इलाकों में ये फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। इन बठिंडा एरिया अंडर कॉटन इज ऑन 96,000 हेक्टेयर्स, तो 96,000 हेक्टेयर्स इलाका जो है वहां पर कपास की खेती हुई है, जिसमें से 65,000 हेक्टेयर के इलाके में फसल जो है वो खराब, सॉरी 65,000 हेक्टेयर का इलाका जो है वो मानसा में है, और इन दोनों ही एरियाज में 96,000 बठिंडा में, 65,000 हेक्टेयर मानसा में, इन दोनों की करीब 30% फसल जो है वो अब खराब हो चुकी है। ये दो जिलों की बात है, इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट संगरूर है वहां पर अभी तक इस पिंक बॉलवर्म का अटैक नहीं हुआ है, इस कीड़े ने अभी तक संगरूर जिले में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मुक्सर जिले की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही गाँव है गिद्दड़बाहा, तो गिद्दड़बाहा गांव से ये न्यूज़ आई थी कि वहां पर शायद इस कीड़े ने फसल को नुकसान पहुंचाया है, और फाजिलका डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेफ जोन में आता है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एक बार देख लेते हैं, तो हम बठिंडा, मानसा, संगरूर, तो ये जो सारे आसपास के इलाके हैं, फजिलका है, ये सारे के सारे नियर बाय के इलाके हैं जहां पर ये कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। तो ये कल्टीवेशन जिन इलाकों में हो रही है उसमें से सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो बठिंडा और मानसा जिलों में हुआ है इस पूरे के पूरे पेस्ट अटैक से। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिवील्ड दैट पिंक बॉलवर्म अटैक इज वेरी सीवियर इन मेनी हरियाणा विलेजेस व्हाइल इन पंजाब दे आर डीलिंग विद इट आफ्टर अ लॉन्ग गैप। कृषि विभाग से मिली जानकारी से यह पता चलता है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा के काफी सारे गांव में ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, कपास की फसल जो है वो खराब हो रही है। हालांकि पंजाब में ये प्रॉब्लम काफी लंबे अंतराल के बाद आई है, बीच पहले ये प्रॉब्लम आती थी, बीच में काफी समय तक ये प्रॉब्लम नहीं आई, अब दोबारा से ये प्रॉब्लम जो है वो नजर आने लगी। अगर बात करें हम कॉटन क्रॉप की, इसके बारे में आप जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर एंड कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, इसको आराम से अच्छे प्राइस पे बेचा जाता है, विच प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो भारत की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख फसल जो है वो कॉटन की रहती है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड है एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो भारत में कपास की उत्पादकता करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पे तीसरे सबसे बड़े मात्रा में निर्यात यहाँ से कपास का होता है, और इसी के साथ में इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन भी। आप जानते हैं कॉटन का कपड़ों के बनने में कितना अहम रोल है, तो
इस कॉटन की फसल का इस्तेमाल हिंदुस्तान में भारी मात्रा में होता है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, लेकिन इस तरीके से कॉटन की फसल जो है अगर वो कुछ इलाकों में खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। तो दोस्तों ये न्यूज आर्टिकल जिसका संबंध पंजाब स्टेट से था, आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। पंजाब स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रेपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।